कामकाज तो बहुत अच्छा रहा, हमारे बारे मुखिया जी बहुत अच्छा काम किए हैं जी, और हम लोग को तो लग रहा है कि वही जीत रहे हैं। इस तरह उम्मीदवार होना चाहिए जो अभी हैं बारिक मुखिया, उसी तरह मैंने उम्मीदवार भी दिए हैं, जिनको इंदिरा आवास का जरूरत है इंदिरा आवास भी दिए हैं। भाई किया है तो उसको कहना पड़ेगा। अच्छा, अच्छा। कॉलोनी मिला है, शौचालय मिला है, बकरी पालन सेट मिला है, और यही गुजारिश करेंगे हमारा जो सिंबल है वो गुब्बारा छाप है और क्रम संख्या 2 में है। 27 तारीख को इस लोकतंत्र के त्यौहार पे आप जरूर अपना मत का प्रयोग करें। बार तो हमको 250 वोट से मार्जिन से जिताया था, मुझे उम्मीद है कि इस बार आप 500 वोटों से हमको मार्जिन मिले। ये है हैसाबातु पश्चिमी, जहां पर काफ़ी तादाद में लोग आए हुए हैं और जो है कि पंचायत की गांव की सरकार बनाने की बात चल रही है यहां। क्या जी आप मुझे बताइए, मैं कई लोगों से मिला खास करके हैसाबातु पश्चिमी में, लेकिन बड़ा पॉजिटिव रिजल्ट आया, क्या जादू कर दिया आप पंचायत में? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा और आपकी पूरी टीम को दूंगा। ये मोहब्बत है लोगों का, क्योंकि हमने 2010 में झारखंड में पहली बार जब चुनाव हुआ जी, तो इन्हीं लोगों ने मुझे मुखिया बनाया। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश किया कि हम हर घर पे जुड़ें और हर मोहल्ले का विकास करें, और हमने कोशिश किया और एक अथक प्रयास से ये सामने आया कि यहाँ पे पानी की किल्लत इस पंचायत में काफ़ी दिनों से ही समस्या थी, पानी बहुत जटिल समस्या था हमारा। 2011 में हम गरगा डैम में 8 बजे सुबह से ले कर 5 बजे शाम तक डूबे हुए थे, उसमें हमारे और भी कुछ साथी मुखिया थे उस वक्त। हमारे यहाँ पे इधर से लाइट नहीं मार, हमारे यहाँ पे उस वक्त SDM हुआ करती थी मंजू रानी शिवासी। अच्छा। तो उन्होंने बल्कि हाथ पकड़ के हम लोगों को गरगा डैम से निकाला था, और उन्होंने उसके बाद हमारी एक वार्ता हुई DC साहब महोदय से, उसके बाद ये तय हुआ कि नहीं भाई हम आपको ठीक है पानी का हम लोग इसके लिए प्रपोजल बनाएंगे और देंगे और ये व्यवस्था कराएंगे झारखंड सरकार से। तो उन्होंने ये करा के मैंने प्रपोजल बना के उसको प्रस्ताव को भेजा भी, और आज मैंने हमको ये फख्र होता है कि इस योजना का नाम ये, आज भले आप यहाँ पे और भी क्षेत्र में पानी सप्लाई हो रहा है और पानी पी रहे हैं लोग, लेकिन आज अगर इस योजना का नाम है तो उस चीज़ का फख्र हमको है कि हैसाबातु बहु जल आपूर्ति योजना के नाम से हो। मुखिया जी ये देखिए, प्यार देखिए मुखिया जी के लिए। अच्छा मुखिया जी, कहीं ना कहीं सोशल मीडिया में आपको ट्रोल किया जा रहा है। हमको लग रहा है कि ये रोड आपको अभी बना हुआ मिल रहा है, लेकिन चूंकि जब पानी सप्लाई का मामला आया तो रोड कहीं कहीं टूटा गया, एक साइड पे तोड़ा गया पाइप को, मैंने उसको मैंने बिछाया गया ताकि घर घर में पानी मिल पाए। जी, 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 जी। अब उस चीज़ को लोग भले बोल रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, सिर्फ इस रोड को आप नहीं देखें, हमको लग रहा है शायद ही कोई गली होगा, इसके बाद भी और भी गली हैं। अच्छा। उस गली को भी आप जरूर दिखाइए, तो हमको लग रहा है शायद ही कोई गली होगा जहाँ पे वो काम नहीं हुआ है। रह गया इसके अलावा मैं और भी जवाब दे दूं। हाँ। मैं आज से तकरीबन आपको ये बता दूं, ये हमारा, मैं आपका कैमरामैन से भी आग्रह करूंगा कि चूँकि ये रोड जो हमारा है NH 23 से ये 3 किलोमीटर हमारे ग्रामीण विकास मंत्री माननीय आलमगीर आलम साहब और हमारे जिला अध्यक्ष मंजूर अंसारी जी के सहयोग से जो हम उनके नेतृत्व पे हम गए हैं और हमने पहल करके इसका टेंडर करा दिया है। उसका विष्णु ट्रेडर्स L1 हो चुके हैं, और आपको अगर उसको और जांच करना है तो यहाँ पे RDO विभाग है, एग्जीक्यूटिव श्रवण कुमार जी हैं, आप वहाँ से डॉक्यूमेंट प्राप्त कर सकते हैं। यार वो मैं साक्ष के साथ बात कर रहा हूँ, ये आपका ये टेंडर पेपर हमारा जो L1 हुए। देखिए जिस रोड की बात हो रही है सोशल मीडिया में ट्रेंड किया जा रहा है, मुखिया जी को गलत भाला बुरा बोला जा रहा है, लेकिन मुखिया जी आज प्रूफ दे रहे हैं, बारिक साहब प्रूफ दे रहे हैं कि देखिए रोड का टेंडर हो चुका है। अभी इसका टेंडर कौन लिया मुखिया जी, नाम ऊपर? ये आपका लिए हुए हैं, मैं बता रहा हूँ आपको, ये आपका है विष्णु ट्रेडर के द्वारा वो रोड बनाई जाएगी। अच्छा एक बात और मुखिया जी, 5 साल और 5 साल, 10 साल 2 साल 12 साल, एकदम दिल पे हाथ रख के बताइए, बहुत प्यार मिल रहा है आपको, लेकिन ये बताइए कि इस 12 साल में जो लायक हैं उन तक आवाज़ पहुंचा कि नहीं, जो मतलब पेंशनधारी के लायक हैं उनको पेंशन दिए कि नहीं, और वर्तमान में आपको क्या कमी दिख रही है ये बता दीजिए एक बार हमको। देखिए ये बात हकीकत है कि आवास पे जो PM आवास हमारा है, यहाँ का सेक डाटा गायब था 14 पंचायत, ये हमको लग रहा है आपको भी पता होगा, मीडिया के पे आप जानते होंगे, चूँकि 14 पंचायत में SSC डाटा गायब था। अच्छा। बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने उस पर आंदोलन भी किया है, उपायुक्त महोदय के व्यास भी हम लोग गए, यहाँ तक कि इवन हम लोगों ने विधानसभा घेरने का भी किया। अच्छा। कि भाई हमारे क्षेत्रों में भी PM आवास बनाया जाए। इस साल से PM आवास हमारे यहाँ लागू हुआ, अभी तक हम लोगों ने 39 आदमी को PM आवास दे दिया है और बाकी वेटिंग में है, जब तक
आचार संहिता लग गया। अभी हमारे यहाँ लिस्ट बना हुआ है, वो उसमें हमको लग रहा है जो योग परिवार हैं उनको पीएम आवास दिया जा रहा है, जो योग परिवार हैं उनको राशन कार्ड दिया जा रहा है। वो बात तो ठीक है मुखिया जी, लेकिन एक बात बताइए, आजकल कहीं ना कहीं पंचायत में गरीबी बड़ा एक स्थिति बनी हुई है और बूढ़े बुजुर्गों को सहायता नहीं मिल रहा, उनको पेंशन को लेकर कोई पेंशन से वंचित तो नहीं है? नहीं, ऐसे कुछ लोग हैं भी, क्योंकि बीच में आचार संहिता आ गया है तो ऐसे जो भी योग्य हैं उसके उनको पेंशन दिया जा रहा है। अच्छा। और जो छूटे हुए हैं, क्योंकि वो बीच में ये आचार संहिता लागू होने के कारण काम नहीं हो पाया तो उनका भी जमा है, वो भी हमको लग रहा है जैसे आचार संहिता ये हट जाए, चुनाव खत्म हो जाए, उनको भी मिलना शुरू हो जाए। चलिए मुखिया जी, जल्दी जल्दी हमारे सवाल का जवाब दीजिए, शिक्षा को लेकर स्थिति कैसी है? देखिए शिक्षा का जो स्थिति, चूँकि बीच में लॉकडाउन हमारा रहा, 2 साल स्कूल बंद रही और थोड़ा सा हमको सरकारी जो स्कूल है उसको दुरुस्त करने की आवश्यकता है, उसको हम अपने निगरानी पे, क्योंकि जब लोगों ने फिर हमको अगर मान लीजिए हमको मुखिया बनाते हैं तो हमको उस पर ध्यान देना ही होगा, क्योंकि वहाँ पे सरकारी जो शिक्षा हमारा है, जो प्राइवेट स्कूल की तरफ जो बच्चे कूच करते हैं या गार्जियन का उधर पलायन होता है, हम चाहेंगे कि वही शिक्षा व्यवस्था भी हमारे अच्छा हो जाए ताकि वो प्राइवेट स्कूल पर ना जाए, सरकारी स्कूल पर अच्छी वही व्यवस्था हमको मिल पाए। स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा बोलिए। स्वास्थ्य के लिए हमने माननीय बन्ना गुप्ता जी जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं उनको भी मैंने आवेदन दिया है कि एक यहाँ पे हमारा स्वास्थ्य उप केंद्र खोला जाए ताकि हम यहाँ पे जो हमारे लोग यहाँ से करीब 6 किलोमीटर जाते हैं ट्रीटमेंट के लिए, हम यहीं पे अपने घर में इलाज कर लें, डॉक्टर का व्यवस्था हो, ये हम चाह रहे हैं, मैंने अर्ज किए हुए हैं। पलायन को लेकर बड़ी समस्या पंचायत में देखी जा रही है, लोग काफ़ी संख्या में बाहर जा रहे हैं, उसको लेकर कुछ आप सोचे हैं क्या यहाँ के लोगों को? देखिए सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो क्षेत्र है, चूँकि यहाँ पर मनरेगा नहीं चल पाता है जी, जिसके चलते लोग में पलायन के मैंने थोड़ा सा दिक्कत आता है कि लोग पलायन की ओर भागते हैं, लेकिन हमारी कोशिश होगी कि छोटे छोटे जो उद्योग हैं उससे जोड़ा जाए, उसको हम व्यवस्था करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो चीज़ हमारे दिमाग में है कि हम छोटे छोटे इस तरह के उद्योग हो जिसमें लोगों को हम जोड़ के यहीं पे रोजगार देने का काम करें। महिला उत्पीड़न को लेकर कुछ बोलिएगा, क्योंकि आज हमारे समाज में पढ़े लिखों की संख्या बड़ी कम होती जा रही है, उनका स्तर घटता जा रहा है और महिलाओं के प्रति उत्पीड़न हो रहा है, उसको लेकर क्या कहिए? देखिए महिला को लेके ये बात हकीकत है, लेकिन जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे, जागरूक नहीं होंगे, उसके लिए हमको लोग के मैंने जागरूक करना होगा और हम जागरूक करेंगे, हम उसके लिए भी महिला का भी टीम बनाएंगे और लोगों के घर पे जाके या तो सभा करके जगह जगह पे और महिला पे जो इस तरह का मामला हो रहा है उसको हम लोग सुधारने का काम करेंगे। तो ये थे बारिक साहब जो हर तरह के और क्वेश्चन हम जवाब दे दें। एक हमारा मसला है यहाँ, सबसे बड़ी एक अभी समस्या है वो कचड़ा का है कि कचड़ा को हम कहाँ फेंकें, समझे ना, हमारे उस पर भी हमने एक प्लानिंग किया हुआ कि वो कचड़ा हम कहाँ से कैसे उठाएं और कहाँ डंप करें, उस वो भी मेरे दिमाग पे है। किस तक ये मैसेज आपको पहुँचाना है बताइए? ये हम आम जो हमारे हैसाबाद पश्चिमी के जो जनता है, कहाँ तक मुख्यमंत्री तक? जी बिल्कुल बिल्कुल, हम ये आपको ये मीडिया के माध्यम से हमारे जो भी प्रशासनिक स्तर से लेके हम राज्य स्तर तक हम जा रहे हैं इस चीज पे कि हमारे यहाँ जो मसला है वो, क्योंकि डस्टबिन तो हमारे पास है लेकिन बहुत ऐसे जगह हैं कि हम डस्टबिन को रख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि डस्टबिन हम रखेंगे कचरा फेंकाएगा तो बगल वाले को यहाँ तकलीफ होगी, उसको महक आएगा, बदबू आएगी, अब उसको हमको डंप कराना है, तो ये हम चाहेंगे कि इसमें हमको मैंने सहयोग मिले और हम उस चीज को काम कर भी कर लें। अच्छा मैं एक बार आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि बारिक साहब हैट्रिक लगाएंगे मतलब 3 बार मुखिया बनेंगे आप लोग? इतना प्यार मैं पहली बार किसी मुखिया का देख रहा हूँ, मैं बहुत सारे पंचायत में गया इस चुनावी हलचल का कवर करने के लिए, लेकिन आज यहाँ पे आके दिल बड़ा गदगद हो गया क्योंकि इतना प्यार मैं पहली बार किसी मुखिया के प्रति देख रहा हूँ।